Morning, my dear friends. In lockdown, this is my first question to you. How are you kids? I am thinking you are just passing your time. But my dear friends, please take studies from your app, whatever given by the school. This is so good app, you know, as well. But some of you are not taking the classes properly. It is my humble request to you that you are to take that classes. In this way, I am taking the first class of economics chapter first is called development. You know, development needs for everybody. Everybody needs development. Without development, we cannot do anything. You people, you students need development for your studies. So why you can go to another classes? This is also a kind of development. Development, the aspect of development is different from different for different people. The development means for a student life that they can improve their studies and go to other class with good numbers, that is called development for students. Now what is the definition of development? Development means progress in the life circumstances, in the economic well-being. Development ya vikas ka matlab hota hai progress, yani aage badhna, pragati. Is hisab mein economic well-being yani aarthik दृष्टि से अच्छा है और बढ़ना. इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है द सेटलमेंट बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इफ आवर इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर देन वी कैन सेव समथिंग फॉर अस, आवर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड विल बी गुड. इफ आवर एक्सपेंडिचर मोर देन द इनकम देन आवर इकोनॉमिक कंडीशन विल बी वर्स. सो इकोनॉमिक्स, वी नीड इकोनॉमिक्स फॉर एवरी एस्पेक्ट. Now this is the first lesson, development. Development means, you know, vikas, economic vikas ke jo achhai hoti hai usi ko hum development kehte hain. Development process, iska process kya hai? Different people different world. Bhinn logon ke liye bhinn praptiyan hoti hai. Jaise riksha chalak hai, uske liye development ka matlab alag hua. Uske liye do waqt ki roti mil jaye, achhi kamai ho jaye, jisse ki wo apne parivar ka bharan poshan kar sake. Ek riksha chalak ke liye development wo kehlata hai. एक बिजनेसमैन के लिए डेवलपमेंट का अर्थ होगा वो कितने पैसे और बढ़ाए और नए बिजनेस खोले जिससे कि उनको रोजगार मिले, उसके लिए डेवलपमेंट ये होता है. डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट है जो परिदृश्य है के लिए अलग होता है. सो डेवलपमेंट सतत एक प्रक्रिया है. इकोनॉमिक्स में इसका बहुत बड़ा महत्व है. थर्ड थिंग आता है प्रोमिसेस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या वादा करता है? लिखा गया है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग लोगों के लिए अलग उसके गोल्स यानी उसके मर्म या एम हो सकते हैं और यही डेवलपमेंट को बढ़ाता है. इनकम एंड अदर गोल्स, इससे डेवलपमेंट से इनकम कैसे लेते हैं? हर एक व्यक्ति इनकम कैसे करता? कार्य करके काम करता, आजीवन करता, जिसको ऑक्यूपेशन कहा जाता है. तो उस ऑक्यूपेशन के जरिए हम हमारे नीड्स को कंप्लीट करते हैं, हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं, वही डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट के परिदृश्य मैंने आपको बता दिया. अलग लोगों के लिए अलग होता है. जैसे कि एक लेबरर है, एक मजदूर है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसको रोजाना रोजगार मिले, वो रोजाना काम पे जाए, रोजाना वो पैसे ला सके जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से चलाया जाए. आपके आस पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी खेतियों में जब लौनी के दिन होते हैं तब वो आपके आके काम करते हैं. तो उनका डेवलपमेंट क्या होगा? अगर उनको बराबर काम मिले, बराबर रोजगार मिले, तो उनका डेवलपमेंट उससे होगा जिससे कि उनको परिवार को चलाने में थोड़ी फायदा होता है. आपने देखा होगा कि आपके चारों तरफ आपके पास खेत होंगे, पर कई ऐसे भी हैं जिसके पास खेत नहीं होते, इसको बोलते हैं लैंडलेस लेबर. उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट यही है कि उनके पास एक लैंड हो, लैंड होने से वो कल्टिवेशन कर सके, तो उसके लिए डेवलपमेंट यह होता है. अगर एक लड़की जो बहुत अमीर घराने से, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट है कि उसके सही तरह से जितने आवश्यकता की चीज़ें उसके पास मिले, उसको बढ़त मिले, वो नए काम कर सके. तो रिच फैमिली के घर के लिए ये डेवलपमेंट है. और एक नर्मदा वैली में जो रहते हैं आदिवासी, उसके लिए डेवलपमेंट क्या है? उसके लिए डेवलपमेंट ये है कि उसको सही तरह से अपना कार्य करने का मौका मिले. क्योंकि जानते हैं वैली यानी जो घाटियाँ होती है उसमें ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, उसमें कमाई का जरिया भी बहुत कम होता है. अतः डेवलपमेंट जो चैप्टर है इसी में प्रकाश डालता है कि इसको कैसा किया जाए. आप जानते हैं इनकम के जरिए ही हम हमारे कंट्री में
में योगदान देते हैं। इसका किस तरह से जाता दिया जाता है अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की रोजाना की कमाई साल भर तक इकट्ठा करके जो होता है वो पर कैपिटा इनकम होता है। अमेरिका अभी सबसे आगे, उसको पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो विकास युक्त देश है। हम विकासशील हैं क्योंकि हमारे पर कैपिटा इनकम बहुत उसके मुकाबले कम है। विकसित देश और विकासशील देश में यही फर्क होता है कि पर कैपिटा इनकम में फर्क होता है। तो हम डेवलपमेंट को लेकर चले, डेवलपमेंट के साथ इनकम मैंने आपको समझा दिया। तो अभी तक के लेसन में आपने देखा है कि डेवलपमेंट की परिभाषा है या डेफिनेशन क्या है, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में चलते हैं, प्रोसेस के अंदर एस्पिरेशन ऑफ डेवलपमेंट मे बी डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल पीपल टू पीपल, द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। जैसे कि आपको मैंने बता दिया, पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेटिंग विद डिफरेंट नीड्स, जो लोग विभिन्न सेटिंग से विभिन्न काम करने वाले स्थानों से, उनके जो एस्पिरेशन है मैंने जैसे आपको बताया कि वो उनके इनकम के जरिए होता है। इस पार्ट में ज्यादातर यही दिया गया है। तो इसके बाद हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट उसके इनकम से होता है। इसी डेवलपमेंट से हम अपने नेशन को डेवलप करते हैं। यह सर्वमान्य चीज है कि जहाँ का पब्लिक या पीपल डेवलप्ड हो वही कंट्री डेवलप्ड होती है। हम जितने डेवलपमेंट अगर आपको डेवलप करेंगे उतना ही हमारा जो देश होगा डेवलप होगा। अभी तक के लेसन में आपको करना क्या है, एक तो डेवलपमेंट के मीन्स या डेवलपमेंट की डेफिनेशन याद करनी है, डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है आप किताब खोल के देखें उसको पढ़ना है, और प्रोमिस ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अलग अलग